नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटिव हैंड्स में। तो आज हम बनाएंगे एक DIY नेम प्लेट। इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं वो सारे मैंने इट्सी बिट्सी से लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं DIY बनाना। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू। अगर आपके पास जैसो नहीं है तो आप एक्रिलिक वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जैसो का जो बेस होता है वो काफ़ी थिक होता है, सो इसलिए मैंने जैसो यूज़ करा है। ये डेकोपाज नैपकिन्स आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे, सो मैं इनका यूज़ करूँगी नेम प्लेट बनाने में। तो इन्हें आप सीजर से भी कट कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्रश की हेल्प से, हल्के हल्के पानी की हेल्प से इसे निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। मैं डेकोपैज नैपकिन को मॉड पॉच की हेल्प से यहाँ स्टिक करूँगी। ये बहुत आराम से स्टिक हो जाएंगे मॉड पॉच की हेल्प से, थोड़ा सा केयरफुली स्टिक करना पड़ेगा इसको। करने के बाद इसे आप किसी हल्के कपड़े से हल्के हाथ से इसे प्रेस करें ताकि इसमें बबल्स ना पड़े और इसकी फिनिशिंग जो है एकदम क्लियर हो। इन्हें आप आराम से बिल्कुल प्रेस करते हुए स्मूथ करें। स्टिक करने के बाद मैं एक बार और अप्लाई करूंगी मॉड पॉच। यहाँ मैंने वार्निश का यूज़ किया है जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा आपके किसी भी DIY को, कलर्स को फिक्स करेगा और DIY को काफ़ी समय तक सेफ रखेगा, सो आप इसका यूज़ कर सकते हैं।